हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी द थ्री मस्केटियर्स एंड द फोर्थ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द थ्री मस्केटियर्स एंड द फोर्थ। तो ये जो स्टोरी है इसके ऑथर है अलेक्जेंडर डुमास। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड फ्रेंच ऑथर्स। तो अलेक्जेंडर डुमास उन फ्रेंच ऑथर्स में आते हैं जिन्हें की काफी ज्यादा पढ़ा गया है, जिनकी स्टोरीज को, जिनके नॉवेल्स को बहुत ज्यादा पढ़ा गया है। सम ऑफ हिज पॉपुलर हिस्टोरिकल नॉवेल्स आर द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, द थ्री मस्केटियर्स, 20 इयर्स आफ्टर एंड द विकॉम डी ब्रेचलॉन। तो ये सब उनके कुछ पॉपुलर और हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। सो द थ्री मस्केटियर्स एंड द फोर्थ। मस्केटियर्स मीन्स सोल्जर्स हु यूज्ड मस्केट्स, अ काइंड ऑफ लॉन्ग गन। तो मस्केटियर्स उन सोल्जर्स को कहा जाता है जो कि मस्केट्स यूज करते हैं। मस्केट्स किसे कहते हैं? लॉन्ग गन जो होता है उसे मस्केट कहते हैं। तो वो जो लॉन्ग गन जो सोल्जर यूज करते हैं उन्हें मस्केटियर्स कहा जाता है। तो ये स्टोरी है वो चार मस्केटियर्स के बारे में है। द थ्री मस्केटियर्स पब्लिश्ड इन 1844 इज अ नॉवल बाय द फ्रेंच नॉवलिस्ट अलेक्जेंडर डुमास। तो अलेक्जेंडर डुमास की जो नॉवल है द थ्री मस्केटियर्स वो पब्लिश हुई थी 1844 में। इट रिकाउंट्स द एडवेंचर्स ऑफ डार्टेनियन, अ विलेजर हु लीव्स होम विद अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मस्केटियर इन द आर्मी ऑफ किंग लुईस 13। तो ये जो स्टोरी है वो डार्टेनियन के एडवेंचर्स को रिकाउंट करता है जो कि एक विलेजर थे और जिन्होंने एक सपने के साथ अपने विलेज को छोड़ा था। और वो सपना क्या था कि उन्हें किंग लुईस 13 की जो आर्मी है उनकी आर्मी में एक मस्केटियर उन्हें बनना है। द मस्केटियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रेंच रॉयल फैमिली एंड ओनली द बेस्ट अमंग द ब्रेव आर गिवन द ऑनरेबल टाइटल। तो मस्केटियर्स का जो काम था वो क्या था? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो फ्रेंच रॉयल फैमिली है उन्हें वो प्रोटेक्ट करे, और उन सभी ब्रेव मस्केटियर्स में से जो बेस्ट होता था उसी को ऑनरेबल टाइटल दिया जाता था। द अथेनियन कैरीज अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कैप्टन ऑफ द किंग्स मस्केटियर्स। डार्टेनियन जो है वो किंग के जो मस्केटियर्स के कैप्टन थे उनके पास एक इंट्रोडक्शन लेटर लेकर जा रहा था। बट ऑन द वे टू पेरिस ही इज बीटन अप एंड द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इज स्टोलन फ्रॉम हिम। लेकिन पेरिस जाते समय रास्ते में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसे बीटन अप, यानी कि कुछ लोगों ने उसे मारा और जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था उसके पास उसे चुरा लिया, उससे डार्टेनियन से उसे चुरा लिया। स्टिल ही समहाउ मैनेजेस टू रीच द सिटी। बट किसी तरह से उसने ये मैनेज किया, किसी तरह से वो सिटी पहुंच गया। व्हाइल इन पेरिस डार्टेनियन सीज द पर्सन हु हैड ड्रॉप्ड हिम। तो जब वो पेरिस पहुंचा तब उसने वही इंसान को देखा जिसने कि उसे लूटा था, यानी कि जिसने उसे मारा था, और वो जो इंट्रोडक्शन का जो लेटर था, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसे कि चुरा लिया था, उसने उसी इंसान को वहां पर देखा पेरिस में। ही चेजेस द रॉबर बट व्हाइल डूइंग सो ही रूडली बम्प्स इनटू एन ऑलरेडी इंजर्ड एथर्स, अ फेमस मस्केटियर। तो जैसे ही वो उस इंसान को चेज करने पकड़ने जा रहा था जिसने उसे ड्रॉप किया था, तो रास्ते ही में वो एक फेमस मस्केटियर से टकरा जाता है जो कि ऑलरेडी इंजर्ड हुआ होता है। जिस मस्केटियर से डार्टेनियन टकराता है वो ऑलरेडी घायल रहता है, इंजर्ड रहता है। ही देन गेट्स इनटू आर्गुमेंट्स विथ टू अदर मस्केटियर्स, पोर्थोस एंड एरामिस। उसके बाद डार्टेनियन की दो और मस्केटियर से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, और उनका नाम क्या रहता है? पोर्थोस एंड एरामिस। द थ्री ग्रेट मस्केटियर्स चैलेंज हिम टू आर ड्वेल एट ए नियर बाय कॉन्वेंट। ड्वेल मीन्स अ फॉर्मल फाइट विथ वेपन्स बिटवीन टू पीपल यूज इन द पास्ट टू सेटल अ क्वरल। तो ड्वेल जो होता है वो एक तरह का फाइट होता है जो कि वेपन से किया जाता है दो लोगों के बीच में। पास्ट में इसे यूज किया जाता था किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए। अगर दो लोगों के बीच बहस हो गई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो उन दोनों के बीच एक ड्वेल करके सुलह कराई जाती थी। पास्ट में इस चीज को यूज किया जाता था। आर्ग्यूमेंट के बाद वो जो तीन ग्रेट मस्केटियर्स थे वो डार्टेनियन को चैलेंज करते हैं ड्वेल के लिए, और वो ड्वेल कहां पर होता? पास में एक कॉन्वेंट था, वहां पे ड्वेल करने के लिए वो तीनों मस्केटियर्स डार्टेनियन को चैलेंज करते हैं।
D'Artagnan and Athos draw their swords and get ready to fight. Read on to find out what happens. और उसके बाद D'Artagnan और Athos के बीच में ड्यूल होता है. वो दोनों ही अपने अपने तलवार के साथ रेडी होते हैं फाइट करने के लिए. तो आगे क्या होता है ये हमें स्टोरी पढ़ने पर पता चलेगा. When you are ready, sir, at your service, sir. तो Athos जो है वो D'Artagnan से पूछता है कि आप कब रेडी हैं सर फाइट के लिए. तो D'Artagnan रिप्लाई करता है, एट योर सर्विस सर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. Hardly had the two blades clinked together when a company of guards commanded by M.D. Zusak entered. तो बस उन लोगों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी, उनकी जो तलवार है वो आपस में टकराने वाली थी, तभी कंपनी ऑफ गार्ड्स जिसके की कमांडर होते हैं M.D. Zusak, वो एंटर करते हैं. द गार्ड्स, sheath your swords, gentlemen, sheath your swords. Sheath means put the sword in its cover. तलवार को उसके कवर में डालना, उसे शीत कहते हैं. तो जो गार्ड्स एंटर करते हैं जिसके कि कमांडर M.D. Zusak होते हैं, तो वो गार्ड्स Athos और D'Artagnan को कहते हैं कि जेंटलमैन, शीथ योर swords, अपने swords को उनके कवर में डाल लो. But it was too late. The two combatants had been seen in a position which left no doubt in the minds of the guards. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. वो दोनों, मतलब कि D'Artagnan और Athos, वो दोनों ऐसे पोजीशन में थे कि उन्हें देखकर किसी को भी पता चल जाएगा कि वो लोग फाइट करने वाले थे, वो लोग फाइट कर रहे थे. हेलो देयर यू मस्केटियर्स, फाइटिंग अगेन, व्हाट अबाउट द एडिक्ट जेंटलमैन, यू नो इट इज इलीगल टू फाइट विदाउट इट, सो शीथ योर swords एंड फॉलो अस. तभी जो गार्ड्स के कमांडर होते हैं M.D. Zusak, वो उन मस्कीटियर्स को कहते हैं कि हेलो देयर यू मस्कीटियर्स, फाइटिंग अगेन, तुम लोग फिर से दोबारा से फाइट कर रहे हो. व्हाट अबाउट द एडिक्ट जेंटलमैन, एडिक्ट मींस एन ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट ऑफ परमिशन. तो एडिक्ट जो होता है वो एक तरह का ऑफिशियल ऑर्डर या फिर स्टेटमेंट होता है एज अ परमिशन, फाइट के लिए जो परमिशन दी जाती है उसे ही एडिक्ट कहते हैं. तो वो कहते हैं M.D. Zusak D'Artagnan से और Athos से कि क्या तुम लोगों के पास एडिक्ट है और तुम लोगों को ये पता है कि बिना एडिक्ट के फाइट करना इलीगल है, तो अपने अपने जो तलवार है वो अपने कवर में डालो और हमें फॉलो करो. Athos moved closer to Porthos and Aramis. Athos जो है, जो कि D'Artagnan से फाइट करने वाला था, वो अपने पार्टनर्स यानी कि Porthos और Aramis के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उनके क्लोज जाकर खड़ा हो जाता है. आई शेल नॉट बी टेकन बाई दीज सोल्जर्स अगेन. There are five of them and three of us, but we shall fight them even if they kill us. तभी जो three musketeers थे उनमें से एक musketeer कहता है कि मैं इन soldiers के साथ नहीं जाऊंगा दोबारा. ये लोग five हैं और हम लोग जो हैं वो three हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इनके साथ fight करनी चाहिए भले ही ये हमें जान ही क्यों ना मार दें. While Zusak drew up his soldiers, D'Artagnan made a quick डिसीजन. तो जब Zusak अपने सोल्जर्स को तैयार कर रहा था, तभी D'Artagnan ने एक क्विक डिसीजन लिया. जेंटलमैन, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, आई थिंक वी आर फोर नॉट थ्री. और D'Artagnan थ्री मस्केटियर्स को कहता है कि जेंटलमैन, मुझे लगता है कि कुछ गलती हुई है, हम लोग तीन नहीं बल्कि चार हैं. मतलब D'Artagnan भी खुद को उन तीन मस्केटियर्स में काउंट कर रहा था. बट यू आर नॉट वन ऑफ अस. तभी उनमें से उन थ्री मस्केटियर्स में से एक मस्केटियर कहते हैं कि लेकिन तुम हम में से नहीं हो. तो D'Artagnan रिप्लाई करता है, आई मे नॉट हैव द यूनिफॉर्म बट आई हैव द स्पिरिट, माय प्रीशियस हार्ट इज दैट ऑफ अ मस्केटियर, आई कैन फील इट मसियर. तो मसियर मींस सर. तो जब वो कहते हैं कि तुम हम में से नहीं हो, तो D'Artagnan कहता है कि मेरे पास भले ही मस्केटियर का यूनिफॉर्म नहीं है, बट मेरे पास वो स्पिरिट है, वो जज्बा है, मेरा जो प्रीशियस हार्ट है वो एक मस्केटियर का है और मैं ये फील कर सकता हूँ सर. द थ्री मस्केटियर्स हेजिटेटेड अ लिटिल बिकॉज D'Artagnan वाज सो यंग, बट अग्रीड टू हिज जॉइनिंग देम. तो वो जो तीन मस्केटियर्स थे वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं क्योंकि D'Artagnan जो है वो काफी यंग होता है एज अ मस्केटियर, उसे ज्वाइन करने के लिए वो काफी यंग होता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं और उसे खुद में शामिल कर लेते हैं. Well then, Athos, Porthos, Aramis and D'Artagnan forward. तभी उन तीन मस्केटियर्स में से एक मस्केटियर कहता है कि चलो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. The nine combatants rushed at each other. Combatants means
पीपल इन्वॉल्व इन द बैटल। युद्ध में लड़ाई में जितने लोग शामिल होते उसे कॉम्बेटेंट्स कहते हैं। तो वो जो टोटल 9 कॉम्बेटेंट्स थे, मीन्स 5 जो थे सोल्जर्स एमजी जुसेक के और 4 ये लोग, 3 मस्कीटियर्स एंड द 4th इज डार्टेनियन। तो ये जो 9 होते हैं, पूरे 9 के 9 सब रश करते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। डार्टेनियन फाउट जुसेक फ्यूरियसली, सर्कलिंग हिम 10 टाइम्स एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज स्टैंस एंड ग्राउंड। स्टैंस मीन्स पोजिशन। तो डार्टेनियन जो है वो जुसेक के साथ बहुत ही फ्यूरियसली फाइट करता है, गोल गोल घूमकर उसके ग्राउंड पर उसकी पोजिशन को चेंज करते हुए। डिस्पाइट बींग एन एक्सपीरियंस्ड फाइटर, जुसेक स्ट्रगल्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ फॉर द एनिमी हु अटैक्ड हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो जुसेक जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, क्योंकि वो सोल्जर्स का कमांडर था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काफी एक्सपीरियंस्ड होगा। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल्जर होने के बाद, एक्सपीरियंस्ड फाइटर होने के बाद, जुसेक जो है वो स्ट्रगल कर रहा था डार्टेनियन से खुद को बचाने में, क्योंकि डार्टेनियन जो है वो काफी अच्छे से लड़ रहा था, काफी अच्छे से फाइट कर रहा था और उसे हर तरफ से अटैक कर रहा था। तो ये उसके लिए काफी दिक्कत की बात हो रही थी जुसेक के लिए कि वो किस तरह से डार्टेनियन से खुद को डिफेंड करे, खुद को बचाए। द स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर सम टाइम, जुसेक स्लोली बिगन टू लूज हिज पेशेंस एट बींग अटैक्ड बाय समवन ही कंसिडर्ड अ चाइल्ड। तो काफी देर तक वो जो स्ट्रगल था जुसेक का वो चलता रहा और धीरे धीरे जो जुसेक का जो पेशेंस लेवल था वो खत्म होता गया, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, उसका जो पेशेंस था वो खत्म हो रहा था एक ऐसे इंसान से अटैक्ट होने पे जो जिसे कि उसने बच्चा समझा था। जुसेक ने सोचा था कि ये तो बच्चा है, इसे तो मैं आसानी से हरा दूंगा, बट डार्टेनियन ने काफी अच्छी फाइट दी, काफी अच्छे से लड़ाई की और इतना ज्यादा उसे स्ट्रगल करने पे मजबूर कर दिया कि लास्ट में जुसेक का जो पेशेंस था वो खत्म होने लगा। ही जंप्ड एट डार्टेनियन बट डार्टेनियन मूव्ड असाइड क्विकली एंड सीवियरली इंजर्ड जुसेक। तो उसके बाद जो जुसेक है वो डार्टेनियन पे जंप करता है, लेकिन डार्टेनियन जो है वो बहुत ही क्विकली से, बहुत ही तेजी से साइड हो जाता है और जुसेक को ही चोट लग जाती है, वो ही इंजर्ड हो जाता है बहुत ही सीवियर, बहुत ही बुरी तरह से। एरमीज हैड ऑलरेडी किल्ड वन ऑफ हिज ओपोनेंट्स बट वाज बीइंग अटैक्ड बाय अनदर वन। और एरमीज जो था, जो कि सेकंड मस्कीटियर था, वो उसने ऑलरेडी एक सोल्जर्स को, उसने ऑलरेडी अपने एक एनिमी को मार गिराया था और उसके बाद एक दूसरे एनिमी ने उस पर अटैक कर दिया। पोर्थोस एंड बिकेरा, वन ऑफ द गार्ड्स वर वाउंडेड बट वर स्टिल फाइटिंग। और पोर्थोस और बिकेरा जो दो फाइटर्स थे, पोर्थोस तो मस्कीटियर था और बिकेरा जो सोल्जर था मस्कीटियर का एनिमी, वो जो दो आपस में लड़ाई कर रहे थे वो लोग बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग लड़ ही रहे थे। एथोस हैड बीन वाउंडेड अगेन बाय केहुजेक। और एथोस जो था वो केहुजेक के द्वारा घायल हो चुका था, मतलब केहुजेक ने एथोस को इंजर्ड कर दिया था। अनदर गार्ड एंड वॉज लुकिंग पेल एंड वीक। तो केहुजेक के द्वारा इंजर्ड होने के बाद एथोस जो है वो बहुत ही पेल और वीक लग रहा था। डार्टेनियन एट वंस रश्ड टू केहुजेक। उसके बाद डार्टेनियन जो है वो केहुजेक की तरफ दौड़कर आता है, रश करके भागता हुआ आता है। टर्न एंड फेस मी गार्ड्समैन और आई विल हिट यू फ्रॉम द बैक। और डार्टेनियन केहुजेक को कहता है कि टर्न एंड फेस मी, घूमो और मुझे फेस करो गार्ड्समैन, वरना मैं तुम्हें पीछे से हिट कर दूंगा। डोंट किल हिम यंग फेलो, आई हैव गॉट अ डील टू सेटल विद हिम। When I am well again, I will fight him again. Only disarm him now. तो एथोस कहता है डार्टेनियन को कि इसे मारना मत यंग फेलो, इसे मत मारना, मेरे पास इसके लिए एक डील है जो कि ये है कि जब मैं दोबारा से सही हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो मैं इसे दोबारा से फाइट करूंगा, दोबारा से लड़ूंगा, अभी फिलहाल बस इसे डिजार्म कर दो, मतलब इसके जो आर्म्स है इसे छीन लो, इसे निहत्ता कर दो। डार्टेनियन डिजार्म केहुजेक। उसके बाद डार्टेनियन जो है वो केहुजेक को डिजार्म कर देता है, उसका जो हथियार होता है वो छीन लेता है। बट केहुजेक क्विकली रैन टू द डेड गार्ड एंड पिक्ड अप हिज सॉर्ड एंड टर्न टू फाइट अगेन। लेकिन केहुजेक जो है वो जल्दी से भागकर एक डेड गार्ड के पास जाता है जो कि मर चुका होता है, और उसके आर्म को उठाता है और दोबारा से फाइट करने के लिए आ जाता है। एथोस हु हैड रिकवर्ड हिज ब्रेथ टर्न टू फाइट हिम। तब तक एथोस जो है वो भी थोड़ा सा अपने आप को ठीक फील करने लगता है दोबारा से, तो वो फिर से तैयार होता है केहुजेक से फाइट करने के लिए। अरामीज हु वाज होल्डिंग हिज ओपोनेंट एट शॉर्ट पॉइंट फोर्स्ड हिम टू सरेंडर। और इधर अरामीज जो है, जो अपने ओपोनेंट से लड़ रहा था,
वो अपने एनिमी को, उस गार्ड को अपनी तलवार के नोक पर कहता है कि अब तुम सरेंडर करो। Only Porthos and Bicara were still fighting. तो अब जो दो लोग लड़ रहे थे वो कौन थे? बस Porthos and Bicara. ये दो फाइटर्स ही थे जो आपस में लड़ रहे थे. Bicara was the guardsman and the Porthos was musketeer. Athos, Aramis and D'Artagnan joined Porthos. तो जब सारे के सारे गार्ड्समैन को ये लोग डिफीट कर देते हैं, Athos, Aramis और D'Artagnan, तो उसके बाद ये लोग Porthos को ज्वाइन करते हैं जाकर, क्योंकि बाकी गार्ड्समैन को तो इन लोगों ने डिफीट कर दिया. अब बस दो ही लोग बचे थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो थे Porthos एंड Bicara. Bicara वॉज द एनिमी. तो Athos, Aramis और D'Artagnan जाकर Porthos को ज्वाइन कर लेते हैं. Bicara वॉज नॉट फेसिंग फोर एनिमीज बट वॉज विलिंग टू कंटिन्यू द फाइट. तो अब जो Bicara था वो चार एनिमीज को फेस कर रहा था, Athos, Aramis, D'Artagnan एंड Porthos. लेकिन अकेला होने पर भी Bicara जो था वो डरा नहीं, वो उसने कंटिन्यू किया फाइट करना. इट वॉज Jussac हु ordered हिम टू सरेंडर, बट Jussac जो गार्ड्समैन के कमांडर थे उन्होंने Bicara को ऑर्डर किया कि तुम सरेंडर कर दो, तुम इन मस्किटियर्स से मत लड़ो, अब तुम अब सरेंडर कर दो. सरेंडर नाउ Bicara, और वो Bicara को कहता है कि अभी के अभी सरेंडर करो. ब्रेवरी इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड इवन इन एन एनिमी. तो उसके बाद Bicara जो है वो अपने कमांडर के ऑर्डर पर क्या करता है, सरेंडर कर देता है. बट ये जो चार मस्किटियर्स थे, Athos, Aramis, D'Artagnan एंड Porthos, वो लोग क्या कहते हैं कि ब्रेवरी इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड इवन इन एन एनिमी. बहादुरी की रिस्पेक्ट हमेशा की जाती है भले ही वो एनिमी ही क्यों ना हो, क्योंकि सभी गार्ड्समैन तो सरेंडर कर चुके थे, उनमें से कुछ मर भी चुके थे, लेकिन Bicara जो था वो अकेले होने पर भी उसने हार नहीं मानी. इसीलिए ये जो चार मस्किटियर्स थे इन्होंने Bicara के रेस्पेक्ट में अपने हैट्स ऑफ किए उसके सम्मान में. देन दे कैरिड ऑल द वाउंडेड मेन एंड लेफ्ट देम इन द पोर्च ऑफ द कॉन्वेंट वेयर दे हैड बीन फाइटिंग. उसके बाद इन चारों मस्किटियर्स ने उन वाउंडेड मेन को उठाया और जिस कॉन्वेंट में वो लोग फाइट कर रहे थे उनके पोर्च में, यानी कि उस कॉन्वेंट के बरामदे में जाकर उन लोगों को छोड़ दिया, सो दैट उसके बाद उन लोगों की रिकवरी हो सके. Elated they took their road. Elated means extremely happy and excited. बहुत ही ज्यादा excited और खुश होना. तो फाइट जीतने के बाद ये जो चारों मस्किटियर्स थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे. और took their road means left the place and came on to the road. जिस जगह पे पहले से वो लोग थे उस जगह को छोड़कर वो लोग रस्ते पर, रोड पर आ गए थे, उसे took their road कहते हैं. तो फाइट जीतने के बाद वो चारों मस्किटियर्स बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे. तो इस एक्साइटमेंट में और खुशी में फिर वो लोग उस कॉन्वेंट से निकलते हैं और अपने अपने रास्ते पर आ जाते हैं. द थ्री मस्किटियर्स एंड D'Artagnan वॉक्ड आर्म इन आर्म ऑक्यूपाइंग द होल विड्थ ऑफ द स्ट्रीट एंड टेकिंग इन एवरी मस्किटियर दे मेट. उसके बाद ये जो तीन मस्किटियर्स थे और साथ में जो एक और मस्किटियर एड हुआ था D'Artagnan, वो सब आर्म इन आर्म यानी कि हाथों में हाथ डालकर रोड की जो पूरी विड्थ होती है, यानी कि पूरी जो चौड़ाई होती है रोड की, वो पूरा ऑक्यूपाई करके हाथों में हाथ डालकर चले जा रहे थे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक दिस. और रास्ते में जो भी मस्किटियर उन्हें मिल रहे थे उन सभी मस्किटियर को अपने साथ लेते जा रहे थे, साथ में ज्वाइन करते जा रहे थे. थम 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 द साउंड ऑफ देयर विक्ट्री मार्च फिल्ड द एयर एंड D'Artagnan's हार्ट सोड विद जॉय. और वो लोग जब चल रहे थे, वो जो मस्किटियर्स चल रहे थे, तो उनके कदमों की जो आवाज थी वो कैसी थी, थम 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 थम. और ये जो आवाज थी वो उनकी जो कदमों की चाल थी, उनके कदमों की चाल की जो ये आवाज थी वो एक विक्ट्री साउंड थी, एक विजय होने की साउंड थी. और ये जो साउंड थी वो पूरे एयर में गूंज रही थी, पूरे एयर में फिल हो गई थी, भर गई थी. और D'Artagnan का जो हार्ट है वो खुशियों से, मतलब उसे हमेशा से किंग की आर्मी में मस्किटियर बनना था और उसका ये जो सपना था वो पूरा हो चुका था. उसने इन तीनों मस्किटियर्स को ज्वाइन किया और एज अ मस्किटियर उसने गार्ड्समैन से फाइट किया, तो उसका एक तरह का ही सपना पूरा हो गया था. तो वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो दिल था वो बहुत ही ज्यादा खुशियों से भर गया था. तो ये जो स्टोरी थी वो द थ्री मस्किटियर्स बाय अलेक्जेंडर डुमास से अडेप्टेड थी. सो दैट्स ऑल, तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज
लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून टिल देन बाय